हेलो दोस्तों, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, सभी छात्रों को और सभी मेरे प्यारे मित्रों को आज रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो भी छात्र मेरिट का इंतजार कर रहे हैं, हम आज रामनवमी त्यौहार से विनती करते हैं कि सभी छात्रों पर कृपा जल्द से जल्द की जाए और सभी छात्रों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए, जो उसके वास्तविक हकदार हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से आपसे गुजारिश है, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और हमारे चैनल से जरूर आप जुड़ जाएं। सबसे पहले दोस्तों, आज हम आपको कुछ अपडेट दिखाने जा रहे हैं जो कि थोड़ी सी खुशियां छात्रों में जरूर भर देगी। दे सकते हैं कि BSSC के जरिए VV डिग्री कॉलेज तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की होगी बहाली। ये आज का मुख्य अपडेट है, मतलब BSSC के जरिए ही ऐसा बहाली होना है। जैसे दोस्तों, विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की बहाली अब बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जरिए कराई जाएगी। इनकी नियुक्तियों की जानकारी विश्वविद्यालय के पोर्टल पर जारी की जाएगी। इस जानकारी के आधार पर शिक्षा विभाग बिहार कर्मचारी चयन आयोग को बहाली के लिए प्रस्ताव भेजेगा। जल्द ही करीब 4,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है, जो कि काफी अच्छी खबर है उन छात्रों के लिए। लेकिन दोस्तों, इन्हें भी जो है 8 साल ना लटका दे, ऐसा मुझे जो है BSSC से गुजारिश हुआ कि जल्द से जल्द जो भी प्रक्रियाएं हो जल्द से जल्द कंप्लीट करके छात्रों की ज्वाइनिंग दे देनी चाहिए। लेकिन बिहार की थोड़ी सी रवैया गलत होने के कारण हम आपको बता दें कि छात्रों को तबाह किया जाता है। यहाँ देखेंगे दोस्तों कि रिक्त पदों का ब्यौरा सॉफ्टवेयर में अपडेट करने की भी योजना है। वहीं राज्य के डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों की नियुक्ति बिहार विवि सेवा आयोग के जरिए कराई जाएगी। यह जानकारी शनिवार को सचिवालय में आयोजित ब्रेन स्टॉर्मिंग की बैठक में प्रस्तुतिकरण के जरिए साझा की गई। मतलब साफ है दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे कि 4,000 कर्मचारियों की जल्द होगी बहाली, जो कि अच्छी खबर मानी जाएगी छात्रों के लिए। बिहार में बहुत दिनों से कोई बहाली नहीं आ रही है। तो दोस्तों, फिलहाल हम आते हैं जो कि मेन मुद्दा है BSSC इंटर लेवल। लगातार छात्र इसका इंतजार कर रहे हैं और ये चाह रहे कि जल्द से जल्द उनका ज्वाइनिंग हो। और दोस्तों, क्यों न चाहे, जनवरी से लेकर अप्रैल बीतने को है और छात्रों के साथ कोई भी जो है न्याय नहीं देखने को मिल रहा है। और जो केस किए हैं उसकी लापरवाही इतनी बढ़ गई है, जैसा कि आप जानते हैं कि वो छात्रों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिए हैं, जो कि एक गलत है और एक इलीगल है। सबसे दोस्तों, न्यू एनसेल का केस आपको पता है कि न्यू एनसेल का केस हाईकोर्ट में चल रहा है और इसी सुनवाई पर जो है तारीख पर तारीख, डेट पर डेट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच जो खबर आई थी, मैंने कल बताया था, केस नंबर 207, 207 पर रखा गया है। इसको लिस्टिंग भले नहीं हुआ है, लेकिन एक और लिस्टिंग की जाती है। उस लिस्टिंग में 207 नंबर पर BSSC का जो केस है न्यू एनसेल वाले, वो केस उस पर दिखाई दिया है, जो कि दोस्तों PV बजंतरी साहब जो जज हैं वो अब्सेंट चले जा रहे हैं और जिसके कारण से सुनवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन मंगलवार को पूरी संभावनाएं देखी जाएगी, यानी 12 अप्रैल को, और वो दिन छात्रों के लिए अच्छी साबित हो सकती है। लेकिन दोस्तों, कन्फर्म कहना ये किसी की भी जो है बस की बात नहीं है। कोर्ट है, वकील अब्सेंट हो जाते हैं, किसी दिन जज अब्सेंट हो जाते हैं। मतलब बिहार की लापरवाही अगर आप देखें और इन छात्रों की जिंदगी किस प्रकार से तबाही हो रही है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मंगलवार को सुनवाई होने की संभावनाएं बनती है, और वो भी पूरी संभावनाएं बनती है। लेकिन देखिए अब आगे क्या होता है। बहुत सारे छात्र कहते हैं कि सर क्या फिर डेट आगे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, क्या कुछ कब हो जाए ये कोई नहीं जानता, सिर्फ एक कल्पना के आधार पर हम लोग कहते हैं कि इस दिन सुनवाई होगी, इस दिन सुनवाई होगी। आपने देखा होगा कि 6 अप्रैल से ही सुनवाई, इस दिन अच्छी खुशखबरी ये वो, लेकिन कहीं कुछ भी छात्रों के साथ अच्छा होना मतलब हो ही नहीं रहा है, जो कि एक गलत है दोस्तों। तो यही कुछ अपडेट थी मंगलवार को, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि जल्द जल्द आप सभी को ज्वाइनिंग की प्रक्रियाएं मिले और जल्द से जल्द दोस्तों आप अपने परिवार के साथ मिलकर हंसी खुशी तरीके से रहें और अपने जीवन व्यतीत करें। यही मेरा जो है आज मेन मकसद है रामनवमी से जो त्यौहार है उससे मेरा जो है शुभकामनाएं मांगने की, सभी छात्रों की भलाई हो, जल्द से जल्द उनका ज्वाइनिंग हो और हम सभी छात्र मिल करके जो है खुशी खुशी रहें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आता है एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।